पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र से मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। लगभग एक हफ्ता पूर्व जन्म बच्चे को कोई निर्दयी माँ बाप पिपरिया मैदान गांव के बीच मंदिर के पास स्थित झाड़ियों में लावारिस अवस्था में छोड़ गए। आपको बता दें, बच्चे की रोने की आवाज पास ही गुजर रहे न्यूरिया कॉलोनी निवासी गोपाल सुनी तो उसे गोदी में उठा लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गोपाल ने फौरन पुलिस को सूचित कर दिया। सामुदायिक केंद्र में मौजूद डॉक्टर ने तुरंत पीलीभीत रेफर कर दिया। इस दौरान घटना की जानकारी होते ही चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम डिस्ट्रिक्ट को कोऑर्डिनेटर निर्वाण सिंह व बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जीनत जहां बेगम और सदस्य कंचन सक्सेना भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने नवजात शिशु को उनके सुपुर्दगी में दे दिया है। अब पुलिस उसके माँ व पिता को खोज रही है। मिला है, कहाँ मिला था, क्या ये हमको सुबह सूचना मिली थी पुलिस के द्वारा कि ये पिपरिया अग्रू गांव पड़ता है थाना क्षेत्र मुंडिया में, वहाँ पर एक लगभग चार दिन का बच्चा मिला है। तो सूचना मिलने पर हम लोग पहुँचे थे तो ये बच्चा उस समय CHC मुंडिया का था और वहाँ से हम लोग उस बच्चे को लेकर के आए। और बच्चा पूरे कपड़ों में अच्छे तरीके से था, ऐसा नहीं था कि जैसे कपड़े पहने होता नॉर्मली, वैसे टावर नॉर्मली होता। तो अब क्या करा जाएगा इस बच्चे को, किस तरह से? इसको क्योंकि जो प्रक्रिया है वो इसको सबसे पहली प्रक्रिया है मेडिकल से गुजरने की, ठीक है। मेडिकल चेकअप इसका करवाया जाएगा। कहाँ लाया गया मेडिकल के लिए? जिला अस्पताल लाया गया है, जिला अस्पताल में इसका मेडिकल चेकअप हो रहा है। महिला अस्पताल में? जी जी, जिला मेडिकल चेकअप के उपरांत में इसको जो प्रक्रिया के अधीन जो भी होता है बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा और आगे की जो भी प्रक्रिया होगी सब बाल कल्याण समिति के द्वारा ही सम्मान करा। कहाँ से आया, क्या मामला है? ये बच्चा हमारे हॉस्पिटल में 1 बजे करीब आया है, न्यूरिया CHC से रेफर होते हैं जी। इसको चाइल्ड लाइन वाले निर्वाण सिंह जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो लेके आए हैं। इसको हमने बच्चे वाले डॉक्टर SNCU में रेफर कर दिया है, बच्चे वहाँ पे भर्ती कर दिया है। भर्ती करने के बाद उसका फिटनेस बनेगा, अगर बच्चा फिट होगा तो उसके लिए फिर अग्रिम कार्रवाई जो है की जाएगी। वैसे बच्चा ठीक है इस समय में? हाँ, वैसे स्वस्थ है और फीड वगैरह ले रहा है जी। मिला है, क्या मामला है? ये मैं जो हूँ बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन हूँ जी, और जिला चाहूँ जी। और जो है ये बच्चा पिपरिया आदमी में मिला है और हमें सूचना मिली चाइल्ड लाइन से। ये लड़का है, ये लड़की है? ये लड़का है। कैसे मिला है? ये चाइल्ड लाइन को मिला, चाइल्ड लाइन ने हमारे यहाँ सूचना दी CWC ने, तब हम यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं बच्चे को देखने। क्या कहा जा सकता है, क्या हो सकता है? पता नहीं, या तो अगर ये 1 दिन का होता बच्चा तो गलत भी सोच लिया जाता कि किसी ने डाल दिया, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चा चुराया गया। अच्छा, तो इसकी जांच की जाए पुलिस के द्वारा, मालूम किया जाए ताकि बच्चा अगर माँ बाप किसके। कितने दिन का होगा कुछ क्या? लगभग ये 5-6 दिन का तो लग रहा है, क्योंकि 1 दिन का बच्चा तो नहीं, 5-6 दिन का। तो ये किस अवस्था में मिला था, कुछ कपड़ों में था? या कपड़ों में था, टॉवल से लिपटा हुआ था। और फिर वहाँ पुलिस द्वारा चाइल्ड लाइन को सूचित किया गया, चाइल्ड लाइन ने CWC में सूचित किया। किस क्षेत्र का है? न्यूरिया क्षेत्र के पिपरिया का? न्यूरिया क्षेत्र का है, पिपरिया जो काम करता है। अब इस बच्चे को कहाँ ले जाया जाएगा, क्या करा? अब ये बच्चा पहले का हॉस्पिटल रहेगा, जब तक ये स्वस्थ नहीं हो जाता है पूरी तरीके से, तब उसके बाद बच्चे को, जब स्वस्थ होने के उपरांत बच्चों को जहाँ शिशु गृह है वहाँ पर भेजा जाएगा। रामपुर भी है शिशु गृह, बरेली में भी है, लखीमपुर में भी है। अब ये बच्चा स्वस्थ होने के बाद 10-12 दिन के बाद भेजा जाएगा स्वतंत्र भेजे। अब जिनका बच्चा है, अगर किसी का अपना बच्चा खो गया है वो आके हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं।